में से कुछ लोग इसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड 25 फैक्ट्स। और इन फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के फैक्ट्स देखने के लिए और जुड़ जाइए हमारी फैक्ट्स आर्मी के साथ। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फैक्ट्स की। पहले नंबर के फैक्ट की बात करते हैं। आप लोगों ने देखा ही है ऑस्कर अवार्ड्स में जो ट्रॉफी दी जाती है वो एक मेल की होती है, एक मेल कैरेक्टर की होती है जो दोनों हाथ बांधे खड़ा होता है। यही ट्रॉफी दी जाती है सबको, पर आज तक सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है जबकि एक लड़की की ट्रॉफी दी गई है किसी को, और ये हुआ था 1938 के टाइम पर। जिन्हें ये ट्रॉफी दी गई थी उनका नाम है एडगर बर्गन और ये एक अमेरिकी एक्टर हैं। हाँ तो गाइस, आप लोगों का क्या मानना है? हमारे यहाँ आईफा में तो एक फीमेल ट्रॉफी ही दी जाती है, हमारे यहाँ भी मेल होना चाहिए या फीमेल ही ठीक है? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरे फैक्ट की बात करते हैं। जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे मेटल की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, जब 3 साल तक ऑस्कर की ट्रॉफी को प्लास्टिक की बनाकर दिया गया था, इस पर पेंट कर दिया जाता था गोल्डन कलर का। तीसरे नंबर के फैक्ट की बात करें, अगर कोई ऑस्कर जीतने के बाद में अपनी ऑस्कर की ट्रॉफी को बेचना चाहे तो वो एक्टर अपनी ट्रॉफी सिर्फ अकेडमी वालों को ही बेच सकता है, लेकिन अगर बेचना है तो वो अकेडमी वाले ही खरीदेंगे और इसकी कीमत होगी $1। मतलब कितना ज्यादा मेहनत करने के बाद में एक ऑस्कर की ट्रॉफी मिलती है, कौन बेचना चाहेगा? और अगर बेचेगा भी तो $1 में तो कोई नहीं बेचने वाला। चौथे नंबर की फैक्ट की बात करें, क्या आप लोग जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड को पहली बार टीवी पर कब दिखाया गया था? अगर जानते हैं तो वीडियो को यहीं रोककर और जाकर नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हाँ तो गाइस, मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1953 में पहली बार ऑस्कर अवार्ड को टीवी पर दिखाया गया था और इस अवार्ड शो को 2 जगह प्रसारित किया गया था, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में। पांचवें नंबर के फैक्ट की बात करें तो क्या गाइज आप लोगों को पता है कि पहली बार रंगीन प्रसारण कब किया गया था ऑस्कर अवार्ड्स का? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ, 18 अप्रैल 1966 में ऑस्कर अवार्ड्स को रंगीन प्रसारण किया गया था पूरे वर्ल्ड वाइड। छठे फैक्ट की बात करते गाइज, क्या आप लोगों को पता है ऑस्कर अवार्ड का ऑफिशियल नाम क्या है? अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए, पूरा नाम है अकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट्स। सातवें नंबर की फैक्ट की बात करें तो क्या आप लोगों को पता है कि अभी तक के ऑस्कर के इतिहास में 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया है, वो भी ऑस्कर अवार्ड्स। इन लोगों के नाम पता एड्रेस मुझे अभी नहीं मालूम है, मैं अगले वीडियो में आपको मालूम करके बता दूंगा, तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आठवें नंबर के फैक्ट की बात करें तो गॉडफादर 2 जो कि वन ऑफ द बेस्ट मूवी सीरीज है हॉलीवुड की, गॉडफादर पहली ऐसी मूवी थी जिसने सीक्वल के लिए बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता था, ऑस्कर अवार्ड। एंड द विनर इज गॉडफादर पार्ट 2। 9 नंबर के फैक्ट की बात करें तो 20 नॉमिनेशन के बाद भी केविन ओकोनल एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो कि 20 ऑस्कर नॉमिनेशन के बावजूद भी एक भी ऑस्कर अवार्ड जीत नहीं पाए हैं अभी तक। 10वें नंबर के फैक्ट की बात करें तो 1989 के पहले कहा जाता था जब कोई ऑस्कर जीतता था तो एंड द विनर इज जैकविन फीनिक्स फॉर बेस्ट एक्टर रोल, लेकिन 1989 के बाद से कहा जाने लगा एंड द ऑस्कर गोज टू जैकविन फीनिक्स फॉर बेस्ट एक्टर रोल। हाँ तो गाइस, क्या आप लोगों को ये बात पता थी? मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। द विनर इज एंड द ऑस्कर गोज टू। आइएगा 11वें नंबर के फैक्ट की बात करें गाइस, तो क्या आप लोगों को पता है अमेरिका को छोड़कर दूसरी किसी भाषा में सबसे ज्यादा ऑस्कर किस देश के पास हैं? हाँ तो गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो एक लाइक तो बनता है यार। चलिए मैं बताता हूँ, इटली एकमात्र ऐसा देश है जिसने विदेशी भाषा में 10 ऑस्कर जीते हैं। 12वें नंबर के फैक्ट की बात करें तो ऑस्कर अवार्ड एक्सेप्ट करने के बाद सबसे ज्यादा लंबी स्पीच देने वाले बंदे का नाम बता दो आप लोग तो। हाँ तो गाइज, ये कोई बंदा नहीं, ये एक बंदी है जिनका नाम है ग्रेग ग्रेशन और इनने ऑस्कर जीता था 1942 के टाइम पर और इनने जो स्पीच दी थी उसका टाइम था 6 से 7 मिनट। 13वें नंबर के फैक्ट की बात करें तो इंडिविजुअल रूप में वर्ल्ड डिज्नी ने सबसे ज़्यादा ऑस्कर अवार्ड हासिल किए हैं। क्या आप लोगों को पता है कि कितने अवार्ड जीते हैं वर्ल्ड डिज्नी ने? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 26 ऑस्कर अवार्ड्स हैं जो उनने अकेले ने जीते थे और ये ऑस्कर अवार्ड्स के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है।
14 नंबर के फैक्ट की बात करें तो क्या आप लोगों को पता है सबसे कम उम्र का ऑस्कर जीतने वाले शख्स का नाम क्या है और उनकी उम्र क्या थी जब उनने ऑस्कर जीता? आप लोगों को मैं बता दूं, 10 साल की उम्र में टाइटल ओनील ने अपना ऑस्कर जीता था, जो कि सबसे कम उम्र वाले ऑस्कर जीतने वाले इंसान है। 15 नंबर के फैक्ट की बात करें तो क्या आप लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा उम्र वाले ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति का नाम? इनका नाम है क्रिस्टोफर प्लम्बर। हाँ तो गाइस, आप लोगों के लिए एक सवाल है ऑस्कर से रिलेटेड, मुझे बता सकते हैं कि आप लोग कमेंट करके कि ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी, मतलब कौन से सन से ऑस्कर की शुरुआत हुई थी, पहला एपिसोड कब दिखाया गया होगा। हाँ तो गाइस, वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके इसे 500 लाइक से ज़्यादा कर दीजिए, मैं इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही लेकर आ जाऊँगा। हाँ तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी टीम में जुड़ जाइए इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, घर में रहिए, सेफ रहिए।